मोहम्मद सदीक पंजाबी दोगाना गायकी दे इतिहास विच मोहम्मद सदीक साहब दा नाम एक बड़ा उच्चा ते वखरा रुतबा है जो के अज तक कायम है। जिंदगी दियां 75 बहारां माण चुके मोहम्मद सदीक साहब नूं असी तुंबी वाले सदीक दे नाम नाल भी जानते हाँ। सदीक साहब का जन्म 1942 दे विच ब्रिटिश पंजाब रामपुर विच होया जो कि अज लुधियाना जिले दे विच है। सदीक साहब के पिता का नाम मगर सिंह ते माता जी का नाम परसिनी देवी सी। 1947 की वंड के दौरान सदीक साहब के परिवार को भी बड़ा औखा समा देखना पड़ा। इस परिवार ने देश छड्डण का फैसला लिया पर मलेरकोटला शहर तो सरहद पार जाने वाली उन्होंने ट्रेन मिस हो गई तो फिर सबब के नाल उन्हों का परिवार इंडिया दे विच ही वस गया। उन्होंने मलेरकोटले के लागे पिंड कुपकलां दे विच रहना शुरू कर दिता ते सदीक साहब ने अपनी मुढ़ली सिक्ख्या भी कुपकलां दे सरकारी स्कूल तो ही हासिल की। घर दे हालात ठीक ना होने कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई विच ही छड़नी पई। गाउण दा शौक सदीक साहब नूं बचपन तो ही सी। इन्हां दे चाचा जी भी लोक गायक सी अते सदीक साहब अपने चाचा जी तो भी काफ़ी प्रेरित सी। स्कूल विच टीचरां ने भी सदीक साहब नूं गाउण दे लई हमेशा प्रेरित किया। सदीक साहब ने मलेरकोटला दे उस्ताद बाकर हुसैन कोलों संगीत दी सिक्ख्या हासिल कीती। सदीक साहब दा पहला गाना लिख चिट्ठियां किधर नूं पावां रिकॉर्ड होया ते अज तक तकरीबन सदीक साहब दे 1200 तों वध गाने रिकॉर्ड हो चुके ने। इन्हां ने अपने समय दियां कई नामवर पंजाबी गायकावां दे नाल दो गाना गीत गाए जिवें कि सुरिंदर कौर जी, नरिंदर बीबा, रजिंदर राजन, स्वरणलता ते होर भी कई गायकावां दे नाल इन्हां ने दो गाना गीत गाए। कुड़ी वेख के कोरड़े छंद वारगी मेरा प्यार करन नूं जी करदा मुंडिया वे जरा बे मुंडिया। पर इन्हां दी जोड़ी मकबूल होई रणजीत कौर दे नाल। 70-80 दे दहाके विच इस जोड़ी दा पहला हिट गीत सामने आया। वो गीत सी मेरा लौंग गवाचा निगाह मारदा आई वे। ये गाना आंदे सार ही बच्चे बच्चे की जुबान ते चढ़ गया। रणजीत कौर नाल सदीक साहब ने 40 साल तक लगातार गीत गाए। शुरुआत विच सदीक साहब ने इंदरजीत हसनपुरी ते अपने दोस्त दीदार संधु दे लिखे गीत गाए। सदीक साहब दे ज़्यादातर हिट गाने बाबू सिंह मान दी कलम चो ही निकले हन। सदीक साहब दे कुछ गाने अज भी लोकी गुणगुणाउणा पसंद करदे ने जिवें कि सौदा नोट, सौहरियां दा पिंड, मेरा लौंग गवाचा, खिच लै वैरिया। ये गाने अज भी सदीक साहब दे फैनस गुणगुणाउणा पसंद करदे ने। गायकी दे खेतर तो इलावा कलाकारी दे खेतर विच भी सदीक साहब ने मल्लां मारियां।
आपने कई पंजाबी फिल्मों के विच कलाकारी दे जौहर दिखाए, जिन्हां विच शामिल है पुत जट्टां दे, जट जौणा मोड़, राणो ते कई होर फिल्मों के नाम शामिल हैं। जट जौणा मोड़ विच उन्हां वल्लों निभाया गया छतर सिंह का किरदार काफ़ी हिट होया। इस तरह एक एक्टर के तौर पर भी सदीक साहब ने अपनी पहचान बनाई। बहुत घट लोग ये गल जानते हैं कि सदीक साहब तुम्बी तो पहला वायलन बजाते सन। एक प्रोग्राम दे विच जदों उन्होंने वेख्या कि तुम्बी वाले मुंडे नूं लोग ज़्यादा माण सत्कार दे रहे हैं तो यह देख के उन्होंने तुम्बी सीखना शुरू कर दिता, तुम्बी दे बादशाह बन गए। सदीक साहब ने कई गाणियां नूं कंपोज भी किया। देखा जाए तो सदीक साहब नूं खुले अखाड़ियां दा राजा भी कह सकते हैं। अज भी जदों सदीक साहब किसी अखाड़े की शान बनते ने, अखाड़े के दौरान कीतियां गईयां मिठिया मिठिया मशकरियां अज भी हर एक नूं हसण दे लई मजबूर कर दिंदियां ने। ये भी सदीक साहब की कला का एक वक्खरा रंग है जो सबनों बहुत पसंद आता है। सदीक साहब पिछले 50 साल तो लगातार पंजाबी माँ बोली की सेवा कर रहे हैं। मोहम्मद सदीक साहब वर्गे लिविंग लैजेंड नूं कैंट पंजाब दिलों सल्यूट करता है। सदीक साहब की तुम्बी सुन के अज भी साढ़े दिलों की धड़कन तेज़ हो जाती है। रब इहो जिही महान शख्सियत नूं लम्मियां उमरां बख्शे, इहो साडी दिल तो दुआ है। आओ तेरे सौरियां दा पिंड नी ओ नेड़े आ गया हानने, आओ तेरे सौरियां दा पिंड नी नेड़े आ गया हानने।